नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, मतलब आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या रेजिस्टेंस डायबिटीज़ मेलाइटस है, मतलब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है और ये समस्या बहुत सालों से है, ये ठीक नहीं हो रही है, तो आपने ज़रूर कभी ना कभी सर्च किया होगा कि ऐसी कोई दवा मिल जाए जिससे आपके पैंक्रियाज से जितना इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए जिससे आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाए वो सिक्रीट हो सके। तो दोस्तों, ऐसी एक होम्योपैथी में दवा है और इसको यूज़ करने से बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप इसे लगातार लेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल ज़रूर बढ़ेगा और इंसुलिन बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा सेल्स का, जिसके कारण आपका टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ठीक हो सकता है। तो आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन इंसुलिनम के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मैं किसी को कॉल करता हूँ, ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ, और ना ही कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार व्हाट्सएप में या फेसबुक में, हालांकि मैं इंस्टाग्राम में नहीं हूँ लेकिन कभी कभी इंस्टाग्राम में भी और कभी कभी कहीं पर भी, और आपके ये मैसेज सेक्शन में यूट्यूब पर कभी फेक अकाउंट से आपको मैसेज आया कि मैं डॉक्टर कीर्ति विक्रम, आप मुझसे यहाँ संपर्क कर लें, यहाँ से दवा मिल जाएगी, तो ये सब चीज़ें फेक हैं। इन सब चीज़ों से ज़रूर बचे, मुझे सिर्फ आप ईमेल ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है इंसुलिनम। दोस्तों, होम्योपैथी में इंसुलिन या इंसुलिनम नाम की मेडिसिन आती है। दोस्तों, इस दवा का जब आप उपयोग करते हैं तो दो तरह से ये असर करती है। पहला, जब आप इसे लोअर पोटेंसी में लेते हैं, जैसे कि इंसुलिनम 4x ट्रैचुरेशन टैबलेट में या 3x ट्रैचुरेशन टैबलेट में या मैक्सिमम 10x ट्रैचुरेशन टैबलेट में, मतलब जब आप इसका लोअर पोटेंसी लेते हैं तो ये सीधा जाती है और ये थोड़ा सा इंसुलिन ही है तो आपके ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करती है, तुरंत आपको तुरंत आराम लगता है। तो पहला, तो अगर आप इसे लोअर पोटेंसी में या ट्राइचुरेशन टैबलेट में यूज़ करेंगे तो आप इसे दिन में 3 बार लीजिए, और जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन इसका एक और काम है, अगर आप इसे हायर पोटेंसी में यूज़ करते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आप हायर पोटेंसी में इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आप 30 CH या 200 CH पोटेंसी में यूज़ करते हैं, खासकर इसे अगर आप 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन का बनना फिर से चालू हो जाता है। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ये दवा आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। इंसुलिनम 200 पोटेंसी में आपको ज़रूर से लेना चाहिए। इसको लेने से आपका पैंक्रियाज सेल धीरे 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 एक्टिव होता है और फिर उसके बाद उससे इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होना हल्के हल्के से चालू हो जाता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन 1 महीने लें और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कम से कम ये दवा 1 साल 2 साल 3 साल लगातार यूज़ करनी होगी, और इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये सारकोड है और सारकोड्स के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, ना ही किसी की तरह का इसका एग्रावेशन है, तो इसे आप कंटिन्यू लगातार यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर कम होना चालू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपकी जो मेडिसिन या इंसुलिन आप अगर लगा रहे हैं यूनिट में, मतलब इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे यूनिट्स भी कम होना चालू हो जाएंगी। बहुत धीरे ये प्रोसेस होता है, और हाँ, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊं कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी। आपको लगातार लंबे समय तक
ये दवा लेने की जरूरत होगी। तो आपको समझ में आ गया, अगर आप लोअर पोटेंसी में यूज करेंगे तो तुरंत आराम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप इसे हायर पोटेंसी में लेंगे तो तुरंत आराम नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए भी ठीक हो सकती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इंसुलिनम 200 CH पोटेंसी में यूज़ करें, चाहे आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये बिल्कुल सेफ़ और इफ़ेक्टिव पोटेंसी है और जिससे आपको रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो मैंने 30 CH में भी रिकमेंड किया है, 200 में भी रिकमेंड किया है, 1 mm में भी रिकमेंड किया है, लेकिन अगर मैं आप सभी को देखूँ कि मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज़ रिकमेंड करूँ तो 200 बेस्ट रहेगा, सबको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे इसके। तो 200 CH पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट पिए और उसके बाद फिर आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसे खाते रहें, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ेगा और आपका टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक होने लगेगा। आपको जो इंसुलिन लग रहा है वो यूनिट कम हो जाएगी या आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो आप कम खाने लगेंगे, डॉक्टर भी बोलेंगे कि कहाँ से दवा ले रहा है, मेडिसिन थोड़ी कम कर दो क्योंकि तुम्हारा ठीक हो रहा है, शुगर लेवल कंट्रोल में है। तो धीरे धीरे आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है इस दवा से। ये इंसुलिन जो है मोस्टली सार्कोड है जैसा कि मैंने आपको बताया, और हाँ ये कुछ और कामों में भी आती है, जैसे कि किसी को अगर बार बार बॉयल्स होते हैं, खासकर अगर आपको शुगर है और आपको बार बार बॉयल्स होते हैं, बार बार फोड़े फुंसियाँ होते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको बार बार पिंपल्स होते हैं या बार बार एक्जिमा होता है शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन मेन इसका इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया, कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, आप बिल्कुल इसे यूज़ करें, आपको ज़रूर से आराम लगेगा। मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं। तो काफ़ी बातें हो गई, और ये मेडिसिन ज़रूर आप होम्योपैथिक मेडेरिया मेडिका में, विलियम बोरिक मेडेरिया मेडिका में पढ़िएगा, और आपको अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है खासकर, तो ये दवा 200 CH पोटेंसी में ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया है तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।